हाल ही में एक 22 साल पुराने मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी को अक्विट कर दिया और ये तर्क दिया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में जो एविडेंस की चेन बनती है वो हमेशा हर एस्पेक्ट में पूरी होनी चाहिए, जिससे कोई भी दूसरी थ्योरी की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। इस मर्डर केस में जो एविडेंस साइट किया गया था वो मोटिव, लास्ट सीन, रिकवरी ऑफ एन असॉल्ट वेपन सब इंक्लूड कर रहा था। हाई कोर्ट में दो लिंक, मोटिव और लास्ट सीन प्रूव हो गए थे, बट तीसरा रिकवरी ऑफ वेपन इनवैलिड या अनप्रूवन था। फिर भी हाई कोर्ट ने एपेलेंट को कन्विक्ट कर दिया फॉर मर्डर। आगे सुप्रीम कोर्ट में हुई अपील से ये सामने आया कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है। अगर एक भी कड़ी लापता हो तो सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन को मना करके अपील अलाउ कर। जिन सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियों में अपराध का निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला जाता है उन्हें पूरी तरह से प्रूफ किया जाना चाहिए और ऐसी सर्कमस्टेंसेस नेचर से कंक्लूसिव होनी चाहिए।